द लास्ट सपर ये एक रेनिसांस आर्टिस्ट यानी कि पुनर्जागरण कलाकार लियोनार्डो द विंसी द्वारा दीवार पर बनाई गई एक पेंटिंग है। यह पेंटिंग उन 12 लोगों के साथ यीशु के अंतिम भोजन के दृश्य को दर्शाती है, विशेष रूप से उस क्षण के बाद जब यीशु ने घोषणा की थी कि उनका एक प्रेरित उन्हें धोखा देगा। यह वक्त 1495 से 1498 के बीच का था। इटालियन आर्किटेक्ट और पेंटर ब्रिमेंटे द्वारा बनाई गई योजनाएं पूरी तरह से पूरी नहीं की गई थी। लुडविको सेफोर्जा, जो लियोनार्डो द विंची के पेट्रन यानी के संरक्षक थे, उन्होंने योजना बनाई कि चर्च को परिवार के मकबरे के रूप में फिर से तैयार किया जाए। इस मकबरे में बनाए जाने वाली पेंटिंग को, जो कि एक दीवार पर बनने वाली थी, उसे सेफोर्जा ने कमीशन किया था और ये काम लियोनार्डो को दिया गया था, जो कि तब एक फेमस रेनिसांस आर्टिस्ट यानी के पुनर्जागरण कलाकार था। लियोनार्डो ने इस पेंटिंग के लिए 1495 से 1498 तक काम किया था। उसने ये काम एक ही बार में नहीं किया था। ये पेंटिंग लगभग 1497 के आसपास पूरी की गई थी। इस पेंटिंग को हुई देरी के कारण एक प्रायर ने लियोनार्डो की शिकायत की, जिस कारण वो नाराज भी हुआ था। नाराजी का उत्तर देने के लिए मॉनेस्ट्री के प्रमुख को लियोनार्डो ने एक खत द्वारा जवाब दिया था कि मुझे यहूदा के लिए एकदम सही खलनायक की खोज करने में परेशानी हो रही है। अगर मुझे कोई चेहरा नहीं मिला तो मैं उन प्रायोर का चेहरा उस खलनायक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहूंगा। द लास्ट सपर प्रत्येक एपोस्टल द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं को चित्रित करता है, जब यीशु ने कहा कि उनमें से एक उन्हें धोखा देगा। सभी 12 प्रेरितों की इस खबर पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, जिसमें उनके चेहरों पर क्रोध और सदमे की भावना दिखती है। द लास्ट सपर की शुरुआती 2 प्रतियां मौजूद हैं, जिन पर लियोनार्डो के सहायकों ने काम किया था। वो पेंटिंग्स अभी भी बरकरार है। रिफेक्टरी के विपरीत दीवार पर जियोवानी डोनाटो दा मोंटोफार्नो द्वारा क्रूसिफिक्शन की पेंटिंग को कवर किया गया है, जिसमें लियोनार्डो ने सेफोर्जा की फैमिली के स्वभाव बनाए हैं। जगह की उपयोगिता, दृष्टिकोण की महारत, गति पर अभ्यास और मानवीय भावनाओं के जटिल प्रदर्शन ने इस पेंटिंग को दुनिया के पश्चिमी छोर में सबसे पहचानने योग्य चित्र बना दिया। ये पेंटिंग लियोनार्डो के कार्यों में से सबसे प्रसिद्ध एक बन गई। इस पेंटिंग की लंबाई 8.80 मीटर और ऊंचाई 4.60 मीटर है। इस पेंटिंग को बनाने में टिम्पेरा, जेसो, पिच और मैस्टिक इन शैलियों का उपयोग किया गया है। उपयोग की गई विधियां पर्यावरणीय कारण और जानबूझकर क्षति के प्रयासों के बावजूद ओरिजिनल पेंटिंग का कुछ हिस्सा आज भी बना हुआ है। सारा देले असे के बाद द लास्ट सपर लियोनार्डो का सबसे बड़ा काम था। यह पेंटिंग सांता मरिया देले ग्राजी मिलान की चर्च में बनाई गई है। यह पेंटिंग इस दौर के कई कलाकारों को प्रेरित करती है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के वीडियो को लाइक करें।